प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बैतूल में 29 करोड़ 11 लाख के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री 13 करोड़ 71 लाख रुपए के संयुक्त कार्यालय भवन का लोकार्पण किया तथा 15 करोड़ 4 लाख रुपए के 3 कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें 3 करोड़ 53 लाख रुपए की शासकीय जेएच महाविद्यालय परिसर बैतूल के भूतल पर 6 कक्षों का निर्माण, 4 करोड़ 15 लाख के इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन ईवीएम गोडाउन तथा 7 करोड़ 72 लाख से बनाए जाने वाले उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रा भवन का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर सांसद श्रीमती ज्योति दुर्वे, विधायक श्री हेमंत खंडेवाल, पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल, श्रीमती साधना सिंह तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बैतूल जिला आदिवासी बहुमूल्य जिला है और यहां की संस्कृति अनुपम है। जनता का व्यवहार बहुत अच्छा है। बैतूल जिले के सदैव सभी का सम्मान किया है। चौहान ने कहा कि बैतूल जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने बैतूल सर्व सुविधायुक्त विद्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विद्यालय में बच्चों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। विद्यालय में प्रयोगशाला, लाइब्रेरी भवन एवं अच्छे शिक्षक होंगे। विद्यालय को पब्लिक स्कूल की तरह चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना गरीबों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। असंबल योजना में 5 एकड़ की किसानों को भी शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2 माह में हर घर में मजरे टोले में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शासन के शिक्षकों का कैडर बनाया है और शिक्षकों को अब 40 से 61 हजार रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा प्रदेश बनाएंगे जहां बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री चौहान का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। आदिवासी कलाकारों के लोक नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने सभी लोक नृत्य कालम मंडलियों को 25,000 रुपए की सम्मानित की घोषणा की। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सांसद श्रीमती ज्योति ध्रुवे ने किया। बैतूल से अनिल कजोड़ी की रिपोर्ट। आप देख रहे थे न्यूज़ व्यू 360.com, खबरें अलग अंदाज में।